जुंगलपुर से इस वक्त की अगली खबर, नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सुनाई गई सजा, 1,26,000 रुपये का जुर्माना। पॉक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई, वहीं आरोपी को 1,26,000 रुपये के आर्थिक जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि पीड़िता ने इस 17 फरवरी 2022 को निठावा थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि 15 फरवरी को एक शादी समारोह में गई थी। रात्रि में करीब 11:30 बजे समारोह से लौट रही थी। इस दौरान आरोपी का पाल निठावा फला रोपिया निवासी प्रमोद उर्फ पप्पू वजिया पुत्र रामलाल बरगोट मीणा उम्र 20 वर्ष आया और जबरन अपहरण कर घर ले गया। घर ले जाकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। उक्त मामले का आरोप पत्र न्यायालय में पेश हुआ। शुक्रवार को पॉक्सो एक्ट में सुनवाई करते हुए दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास के साथ 1,26,000 रुपये के आर्थिक जुर्माने से दंडित करने का फैसला सुनाया गया। ये दिनांक 17-22 को पीड़िता ने निठहुआ थाने में एक रिपोर्ट पेश कर बताया कि वह एक शादी में गई थी। वहाँ पर अभियुक्त प्रमोद उर्फ वजिया उसे जबरन अपहरण कर उसके घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उक्त मामले का आरोप पत्र न्यायालय में पेश हुआ। मामले में कुल 13 गवाह व 41 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए। मामले की आज अंतिम सुनवाई पूरी करते हुए माननीय विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो डूंगरपुर ने अभियुक्त को दोषी माना है। अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास व 1,26,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।